मुद्रा स्फीति और महंगाई में क्या अंतर होता है? मुद्रा स्फीति वस्तु और सेवाओं की कीमत की औसत वृद्धि को दर्शाती है, जबकि महंगाई किसी विशेष स्थान की विशेष वस्तु और सेवा की कीमत की बढ़ोतरी को दर्शा रही होती है। मुद्रा स्फीति का जो विपरीत अर्थ होता है उसे मंदी कहते हैं। यानी मुद्रा स्फीति तब आती है जब मांग ज़्यादा हो, और मंदी तब आती है जब मांग नहीं हो रही होती है। तो प्रश्न आता है कि मांग और आपूर्ति क्या होता है? तो देखिए, मांग को जो कर्व हम लोग मांग का खींचते हैं वो कैसे खींचा जाता है, लेफ्ट टू राइट इन डिक्लाइन डिमांड कर्व खींचते हैं और लेफ्ट टू राइट इंक्लाइन सप्लाई कर्व खींचा जाता है। प्रश्न ये है कि जो डिमांड और सप्लाई है इस पर हम मुद्रा स्फीति को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो मुद्रा स्फीति एक्चुअली दो आधार पर मापी जाती है, एक है तुम्हारा डिमांड साइड और एक है तुम्हारा सप्लाई साइड। यानी कि मुद्रा स्फीति मांग के कारण भी हो सकती है, अगर मांग ज़्यादा है तो मुद्रा स्फीति हो सकती है, और अगर सप्लाई यानी आपूर्ति कम है तो मुद्रा स्फीति हो सकती है। आप ध्यान से सुनिए, मुद्रा स्फीति का मतलब होता है कि मांग को हमें कम करना है, और मंदी का मतलब होता है मांग को हमें बढ़ाना है। यानी मंदी अगर भगानी है तो मांग बढ़ानी है, मुद्रा स्फीति कम करनी है तो मांग कम करनी पड़ेगी। साधारणता यह नियम होता है, यदि मुद्रा स्फीति मांग आधारित है तो आपूर्ति आधारित मुद्रा स्फीति का कॉन्सेप्ट आगे हम समझेंगे। फिलिप्स कर्व एक कर्व है जो मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध को स्थापित करता है, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न ये है कि सर मुझे समझाइए, आपूर्ति आधारित मुद्रा स्फीति और मांग आधारित मुद्रा स्फीति क्या होती है? तो समझ लीजिए कि किसी एक संस्थान के पास हमने एक चाय वाले को बुलाया, उस चाय वाले का नाम है सतीश भाई। अब सतीश भाई क्या कर रहे हैं, चाय पिलाने का काम करते हैं। तो पहले देखते हैं कि मांग आधारित मुद्रा स्फीति कैसे काम करती है। उदाहरण के लिए समझिए कि सतीश भाई जो हैं वो 5 रुपये की एक चाय पिला रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो 5 रुपये की सतीश भाई चाय पिलाते हैं और 5 लोग पीने के लिए आ रहे हैं, तो सतीश भाई की चाय की कीमत नहीं बढ़ेगी। लेकिन खुद सोचो, अगर किसी दिन 5 की जगह 20 लोग पीने के लिए आ जाएँ, लेकिन सतीश भाई के पास चाय तो उतनी ही है, तो सतीश भाई क्या करेंगे, पहले 10 लोग चाय मांग रहे थे, अब 20 लोग चाय मांग रहे हैं, तो सतीश भाई 5 रुपये की चाय को 7 रुपये की कर देंगे। तो ये जो 5 रुपये से 7 रुपये महंगाई हुई है, इसी को ही हम बोलते हैं मांग आधारित महंगाई। यानी सामान उतना ही था लेकिन मांगने वाले ज़्यादा आ गए। तो प्रश्न उठता है, ये क्यों मांगने आए हैं? क्योंकि इनके पास पैसा होगा, और पैसा होता है तो मांग अपने आप होने लगती है। तो यदि इन 20 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा 10 व्यक्ति चाय पीने के लिए आए हैं, तो 10 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा हैं उनसे हम 5 रुपये छीन लिए जाएं, तो वो चाय के लिए मांग नहीं करेंगे, तो चाय की कीमत 5 रुपये की 5 रुपये ही रहेगी। इसे बोलते हैं मांग आधारित मुद्रास्फीति। उल्टा करके देखते हैं, आपूर्ति आधारित मुद्रा स्फीति क्या होती है। मानकर चलिए कि सतीश 10 रुपये 10 लीटर की चाय बनाते हैं रोज, लेकिन किसी दिन दूधिया जो दूध देने आता है वो 10 लीटर ना देखते हुए 5 लीटर ही दूध देकर गया है। ऐसी कंडीशन में 10 लीटर दूध आने पर सतीश की जो कीमत थी चाय की वो 5 रुपये थी, लेकिन इस बार दूध की आपूर्ति नहीं हो पाई है, इसीलिए चाय की कीमत 6 रुपये हो गई। यहाँ किसी ने मांग में फ्लक्चुएशन नहीं किया है, केवल आपूर्ति नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। इसे बोलते हैं आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति। तो अब मांग आधारित मुद्रास्फीति, पैसे ज़्यादा हो गए हैं, आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति मतलब सामान ही नहीं आ पाया है। तो जिस वर्ष भारत में मानसून कम आता है, उस वर्ष भारत की समस्या ये होती है कि फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो मान लो किसी गांव में 100 किलो गेहूँ हो रहा था, लेकिन उस साल मानसून ना होने से 80 किलो गेहूँ हुआ, तो गेहूँ की आपूर्ति कम होने से गेहूँ की कीमत बढ़ जाती। इसे ही हम बोलते हैं आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति। प्रश्न है कि सर मुद्रास्फीति आ गई है, अब इसको नियंत्रित कैसे करें? तो सीधा सा जवाब है, RBI और केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों चीजों को नियंत्रित किया जाता है। RBI जो नियंत्रित करती है मुद्रा स्फीति, उसको नीति बनाती है, उसे हम बोलते हैं मौद्रिक नीति, और जो केंद्र सरकार संसद के द्वारा नीति बनाती है उसे हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति के अंतर्गत ब्याज दरों को नियंत्रित किया जाता है, जबकि राजकोषीय नीति के अंतर्गत टैक्स और सब्सिडी पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये जो नियंत्रण है, ये ध्यान रखना, मांग आधारित नियंत्रित करती है। तो चाहे राजकोषीय नीति हो या मौद्रिक नीति हो, ये दोनों नीतियां मांग आधारित मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करती हैं, यह आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर एक बार समझा दीजिए कि कैसे ये लोग मांग आधारित मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करते हैं। यही समझाने के लिए तो हम आपके सामने आए हैं, समझिएगा थोड़ा सा। मांग आप किस चीज़ की करते हो? तो आपने कहा सर या तो हम सेवा की मांग करेंगे या हम वस्तु की मांग करेंगे। सेवा और वस्तु क्या होती है? आप समझिएगा कि यदि आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर कोई सामान खरीद कर खाते हैं, पीते हैं, तो जो खा रहे हैं वो वस्तु है, जो लेकर आ रहा है वो सेवा है। तो सेवा और वस्तु ही आप मांग करते हैं अर्थव्यवस्था में, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास पैसा है। तो जब पैसे से मांग कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं मांग आधारित मुद्रास्फीति। अच्छा, पैसा है तो इससे क्या होता है? तो पैसे का अपना उद्देश्य होता है कि वो खर्च करेगा। कैसे? अगर आपने हाल ही में कभी ATM से पैसा निकाला हो, तो अपने आप से पूछना, ये पैसा आपने क्यों निकाला? तो आप जवाब देंगे
ये पैसा मैंने इसलिए निकाला, या तो मुझे रूम का रेंट भरना था या फिर मुझे नए कपड़े लेने थे। तो पैसे का उद्देश्य होता है खर्च करना, और खर्च होगा तो फिर खर्च होने से मांग होगी, और किस चीज़ की मांग करते हैं आप, तो वस्तु और सेवा की। इसीलिए सरकार ये समझती है कि वास्तव में पैसे की मांग वस्तु की मांग होती है। आप अगर ATM से पैसा मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से आप वस्तु और सेवा मांगेंगे जाके बाजार में, और अगर आपके पास पैसा होगा तो आप मांग करके महंगाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सरकार आपके पैसे को छीनकर मांग कम करके महंगाई को रोकने की कोशिश करती है। तो कैसे कर सकते हैं, सोच कर देखिए। यदि इस बैंक तुम्हारा ब्याज दर कम कर दे, आप इस चीज़ को सोच कर देखिए, यदि बैंक तुम्हारा ब्याज दर कम कर दे, तो ब्याज कम होने से क्या होता है कि आप बैंक से ज़्यादा पैसा उधार लेते हैं, और जब पैसा आपके पास आएगा तो खर्च करने का उद्देश्य होता है। खर्च करोगे तो मांग होगी, किसकी, वस्तु और सेवा की, लेकिन इसका उत्पादन नहीं हो रहा है तो ये वस्तु सेवा क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो जिस भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति होती है, उस अर्थव्यवस्था की बैंकें क्या सोचती हैं कि हम ब्याज को महंगा कर दें। जब ब्याज को महंगा करेंगे तो लोग पैसा नहीं लेंगे जाके। इसके दो कारण होते हैं। मान लो कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मोहित सर दूसरे व्यक्ति हैं, मेरे पास पैसे की कमी है, मोहित सर के पास पैसा ज़्यादा है, और मोहित सर बाज़ार में कुछ सामान लेने जाने वाले थे। मैंने क्या किया कि मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैंने अखबार में पढ़ा था कि किसी बैंक में जाऊंगा, सस्ता ब्याज मिलेगा, तो सस्ते ब्याज को मैं पैसा उधार लेकर और मैं कोई सामान खरीद लूँगा। अचानक से अखबार में मैंने पढ़ा कि अब ब्याज दरें महंगी हो गई हैं, तो मैं तो अब बैंक में जाऊंगा नहीं पैसा उधार लेने के लिए। और मोहित सर को भी ये खबर लगी कि यदि बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक ज़्यादा ब्याज देगी, तो जो मोहित सर के पास पैसा था, मोहित सर ने क्या किया, उस पैसे से सामान ना खरीदते हुए उसको बैंक में जमा करा दिया। अब ध्यान से देखो, मैं पैसा ले नहीं पाया, मोहित सर के पास जो पैसा था वो उनने बैंक में जमा करा दिया। तो जब ब्याज दर महंगी होती है तो जो उधार लेने वाला व्यक्ति है वो तो बैंक से पैसा ले नहीं पाएगा, और जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा चला था वो भी अपना पैसा बैंक में डाल देता है। तो ना तो मोहित सर के पास पैसा बचा, ना मेरे पास पैसा बचा। अब क्या नहीं है, दोनों के पास पैसा, तो क्या रह गया, खर्च नहीं करेंगे। खर्च नहीं करेंगे तो मांग नहीं होगी, और मांग नहीं होगी तो महंगाई नहीं होगी। इस प्रकार से ब्याज दर को घटा या बढ़ाकर मंदी और मुद्रास्फीति को कम किया या बढ़ाया जा सकता है। टैक्स कम करने का काम कौन करती है, केंद्र सरकार, जिसे राजकोषीय नीति कहते हैं। मान लो कि मैं 100 रुपये कमाता हूँ, सरकार मेरे ऊपर 10 रुपये का टैक्स लगाती है, तो मेरे हाथ में 90 रुपये बचते हैं। सरकार ने टैक्स कम कर दिया, अब सरकार मेरे ऊपर 10 रुपये टैक्स में लगाते हुए 5 रुपये टैक्स लगा रही है, तो मेरे हाथ में 95 रुपये बचेंगे, 5 रुपये एक्स्ट्रा बचेगा। और ये 5 जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, पैसे का अपना उद्देश्य होता है मैं खर्च करूँगा, खर्च करूँगा तो मांग होगी, और मांग होगी तो मुद्रास्फीति आएगी। सरकार अगर टैक्स बढ़ा देती है तो मेरे पास पैसा कम बचेगा, तो मैं कम मांग करूँगा तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। तो जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो सरकार चाहती है कि टैक्स कम कर दें, और मुद्रास्फीति आती है सरकार चाहती है टैक्स बढ़ा दें। इसी प्रकार से सब्सिडियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखना। सब्सिडी एक होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या तो मैं तुम्हारे खाते में सीधा पैसा डाल दूं, तो एक सब्सिडी मानी जाएगी, या मैं सरकार हूं, तुम व्यक्ति हो, तुम्हारा उत्पादन मैं सस्ते कीमत पर खरीद लूं, यानी कि महंगे कीमत पर खरीद लूं, यानी कि बाजार में तुम्हारे गेहूं की कीमत 10 रुपये है, मैं सरकार हूं, मैं तुम्हारा गेहूं 15 रुपये में खरीद लूं, तो 5 रुपये तुमको एक्स्ट्रा दिए, ये भी सब्सिडी मानी जाएगी। और जब तुम बाजार में कोई सामान लेने जाते हो और कोई सामान तुमको बाजार में 15 रुपये का मिल रहा है, मैं सरकार हूं, मैं तुमको 10 रुपये में दे दूं, तो सीधी सी बात है सब्सिडी 3 प्रकार की होती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहली सब्सिडी, दूसरा अर्थ होता है कि मैं तुम्हारा सामान महंगी कीमत पर खरीद लूं तो सब्सिडी, और मैं तुमको सस्ती कीमत पर कोई सामान अवेलेबल करा दूं तो सब्सिडी। तो यदि सब्सिडी बढ़ाई जाती है तो सीधी सी बात है पैसा, यानी कि मांग बढ़ती है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से हमको ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों में अगर परिवर्तन होता है तो मांग बढ़ती है। ध्यान से सुनो, ब्याज दर कौन डिसाइड करता है, RBI। RBI कैसे डिसाइड करती है, हमने पढ़ा है CRR, SLR, RR। अगर इन सबको कम करती है सरकार तो इसका मतलब है ब्याज कम होगा, ब्याज कम होगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो खर्च करेगी, खर्च करेगी तो मांग होगी, मांग होगी तो मुद्रास्फीति होगी। इसी उल्टा करते हैं, अगर मुद्रास्फीति कंट्रोल करनी है तो ये वाले तीर सीधे कर दो, जब ये तीर सीधे करोगे तो ब्याज महंगा हो जाएगा, ब्याज महंगा हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो मांग आधारित मुद्रा स्फीति नियंत्रित हो जाएगी। ये जितना भी मैं ड्रामा कर रहा हूं ये मांग आधारित मुद्रा स्फीति के लिए है, आपूर्ति आधारित मुद्रा स्फीति भारत सरकार के हाथ में नहीं है, वह तो उस मौसम पर डिपेंड करेगी जिसका उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें RBI के द्वारा सरकार के लिए पैसा उगाया जाता है, या फिर सीधी सी बात है RBI का काम ये होता है कि तुम्हारी अतिरिक्त तरलता को सोख लेती है। कैसे, मैं RBI हूँ, आप व्यक्ति हैं, मैंने एक प्रमाण पत्र निकाला, उस पर लिखा है 500 रुपये। अगर ये प्रमाण पत्र आप 500 रुपये का लेते हैं तो 10% के हिसाब से मैं आपको 6 महीने का ब्याज दूंगा। आप लालच में आ जाते हो और OMS यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI का ये कागज जैसे ही आप खरीदोगे तो बदले में आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो आपका पैसा मेरी जेब में, मैं RBI, तो आपके पास पैसे की कमी, और जैसे ही आपके पास पैसे की कमी हो गई तो आप खर्च नहीं करोगे, मांग नहीं होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। तो जब भी
ओपन मार्केट ऑपरेशन में महंगाई कंट्रोल करनी होती है, समझना, महंगाई अगर नियंत्रित करनी है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन बेचा जाता है और मुद्रा स्फीति हट गई है, मंदी आ चुकी है तो मंदी दूर करने के लिए खरीदा जाता है। यह है तुम्हारा महंगाई दूर करने का, नियंत्रित करने का तरीका।